दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने पुराने से पुराने फोटो को डाउनलोड कर सकते हो। देख सकते हो ये मेरा 2015 का फोटो है, ये भी 2015 का फोटो है और 2014 का भी फोटो है, यानी कि मैं 10 साल पुराने फोटोज को भी डाउनलोड कर सकता हूँ, रिकवर कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे 2021, 2024, 2018, 2016 किसी भी ईयर के फोटो को डाउनलोड कर सकता हूँ, रिकवर कर सकता हूँ। फोटोज को डाउनलोड करने के लिए सिंपली मुझे फोटोज के ऊपर टैप करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करना है और यहाँ से मैं फोटोज को डाउनलोड कर सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक यही है कि कैसे आप अपने पुराने से पुराने फोटो को डाउनलोड कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे मैं कर पा रहा हूँ, अपने 10 साल पुराने फोटो को भी डाउनलोड कर पा रहा। अभी 2024 चल रहा, मैं 2014 के भी फोटो को डाउनलोड कर पा रहा। तो चलिए पूरा प्रोसेस देखते हैं, सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप देखनी है और सारी चीजें ध्यान से समझनी है, तभी आप अपने पुराने से पुराने फोटो को रिकवर कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे सिंपली डाउनलोड पर टैप करके। तो गूगल फोटोज ऐप के माध्यम से आप पुराने से पुराने फोटो को रिकवर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, गूगल फोटोज ऐप ओपन कर लेना है। गूगल फोटोज ऐप अगर आपको मोबाइल में नहीं मिलता है तो आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लोगे और ये एप्लीकेशन आपको मिल जाता है। गूगल फोटोज ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में प्रोफाइल का आइकन दिखाई देता है, इस पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी दिख जाता है। तो जब भी आप एक नया जीमेल आईडी बनाते हो तो गूगल आपको 15 GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है। इस 15 GB के क्लाउड स्टोरेज में आप गूगल फोटोज के माध्यम से फोटोज और वीडियोज का बैकअप करके रख सकते हो, बस रहते आपका बैकअप सेटिंग ऑन होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे फोटो सेटिंग पे टैप करते हो और यहाँ पे बैकअप पे टैप करते हो और ये आपका इस तरीके से ऑन रहता है तो यहाँ पे आपके 15 GB के क्लाउड स्टोरेज में फोटोज और वीडियोस का बैकअप होते रहता है ऑटोमेटिकली। जो भी आप डेली बेसिस पे फोटोज वीडियोस कैप्चर करते हो उसका बैकअप होते रहता है। तो अब गूगल फोटोज के माध्यम से पुराने फोटो को रिकवर करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, जो कि बैकअप हो चुका है, इसके लिए आपको अगेन प्रोफाइल पे टैप करना है और यहाँ पे आपको जीमेल आईडी के नीचे मैनेज योर गूगल अकाउंट ये दिखाई देता है, इस पे टैप करना है। मैनेज योर गूगल अकाउंट में आने के बाद आपको यहाँ से वो जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है स्विच करके, जो कि आप बहुत पहले से यूज कर रहे, जो कि आपका सबसे पुराना जीमेल आईडी है। आप इस पे टैप करोगे, जो कि यहाँ पे जीमेल आईडी दिखाई देता है, तो आपके मोबाइल में जितने भी जीमेल आईडी एडेड हैं वो सब दिख जाएगा। इनमें से जो भी आपका सबसे पुराना जीमेल आईडी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि पुराने जीमेल आईडी पे ही सबसे पुराने से पुराना फोटो आपको मिल सकता है बैकअप किया हुआ। तो यहाँ मैंने जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लिया है। जीमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डेटा एंड प्राइवेसी ये दिखाई देगा, इस पे टैप करना है। डेटा एंड प्राइवेसी में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पे आपको एप्स एंड सर्विसेज ये दिखाई देगा, कंटेंट सेव फ्रॉम गूगल सर्विसेज ये दिखाई देगा, इस पे टैप करना है एप एंड सर्विसेज के नीचे। अगेन आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको गूगल फोटोज ढूंढ लेना है। आप देख सकते हो गूगल फोटोज पे मेरा 6000 से ज्यादा फोटो बैकअप किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, इस पे टैप करना है। गूगल फोटोज पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप 2024 से लेकर के, मतलब अभी से लेकर के जो भी लास्ट ईयर यहाँ पे दिखाई देता है नीचे में, वहां तक का फोटो डाउनलोड कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पे 2014 तक का फोटो इस पे अपलोडेड है, मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ से बस मैं स्क्रॉल करके जिस ईयर का मुझे डाउनलोड करना हुआ एक बार में जा सकता हूँ जंप करके उस ईयर तक और उस साल का फोटो मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। सिंपली इस पे टैप करूंगा, इस 3 डॉट पे टैप करूंगा और डाउनलोड पे टैप करके स्पेसिफिक फोटोज को डाउनलोड कर सकता हूँ और देख सकता हूँ।